नमस्कार, स्वागत है आपका, अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। दोस्तों, जब दो लोग प्यार मोहब्बत की दुनिया में आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसे ही सपने जो हैं संजोए जाते हैं और कस्में खाई जाती हैं कि एक दूसरे का साथ किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं और जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ये हो नहीं पाता है और बड़ा खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है ये जानकर कि किसी जोड़े के साथ, किसी प्रेमी युगल के साथ या किसी विवाहित युगल के साथ ऐसा हो गया है। तो आज दोस्तों ऐसा ही एक मुद्दा लेके आपके सामने आया हूँ जिसको सुन के या जिसको जान के मन थोड़ा व्यथित है, लेकिन हाँ, चूंकि बहुत चर्चित पर्सनालिटीज हैं तो इसलिए ये सोचा कि इस मुद्दे पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि जब पर्सनालिटीज बहुत चर्चित होती हैं, लोग उनमें अपना आदर्श देखते हैं, अपना आइडल देखते हैं, तो निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा भी ली जाती है। लेकिन यहाँ एक ऐसा काम हुआ है जहाँ प्रेरणा की तो बात बहुत दूर की रही लेकिन मन अलग से जो है क्षुब्ध हो गया है और व्यथित हो गया है। दोस्तों, बात करना चाहता हूँ कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि शोएब मलिक, जो पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर हैं, और हमारे देश की बेटी सानिया मिर्जा, जो उनसे भी ज़्यादा मशहूर और प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर हैं और जो कि इंडिया में टेनिस की एक तरह से पुरोधा कही जाती हैं, टेनिस की शी इज़ अ टॉर्च बेयरर, इनसे बड़ी टेनिस प्लेयर इंडिया में अभी तक तो हुई नहीं और लाखों बच्चों की प्रेरणा हैं सानिया, और बहुत सारे लोग अपने बच्चों का नाम उन्होंने सानिया के नाम पर रखा है। एक टाइम ऐसा था कि बहुत सारे बच्चों का नाम सानिया हुआ करता था। तो आइए देखते हैं कि इनकी जो कहानी है उसमें हुआ क्या। तो पहले जान लेते हैं कौन है सानिया मिर्ज़ा और कौन है शोएब मलिक, इनका परिचय थोड़ा दे देते हैं और उसके बाद इस चर्चा पे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर हैं शोएब मलिक, थे बल्कि अब तो रिटायर हो गए हैं, 41 साल की उनकी उम्र है और ये उनका क्रिकेटिंग करियर में निकाल के लाया हूँ आपके लिए। शोएब मलिक की बस इतनी सी पहचान है कि ये पाकिस्तान टीम के क्रिकेटर रहे हैं, कभी कैप्टेंसी भी इन्होंने की है। 1 फरवरी 1982 को इनका जन्म हुआ, आज का आज 41 साल के हैं। सियालकोट पंजाब, जो पाकिस्तान का हिस्सा है पंजाब का, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और मलिक ने जो है अपने पूरे क्रिकेटिंग करियर में 5 मैन ऑफ द सीरीज और 18 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं, और जहाँ तक मुझे याद है इन्होंने बहुत सारी सेंचुरीज बनाई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो इंडिया के खिलाफ खेलते हुए बनाई हैं। ही इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर पाकिस्तान इन T20s विद मोर देन 1821 रन्स। बस इनका परिचय सिर्फ इतना सा ही है, बाकी ये डिटेल्स हैं कितने इन्होंने मैच खेले और कितने रन बनाए, क्या इनका एवरेज रहा और क्या स्ट्राइक रेट रहा। और इधर देखिए हमारे देश की बेटी सानिया मिर्जा, इसकी उपलब्धियां देखकर आप चकित तो रह ही जाएंगे और आपको गर्व भी बहुत होगा। देखिए मैं आपको बताता हूं कि सानिया मिर्जा जब 18 साल की थी, सिर्फ मात्र 18 साल की, 2004 में इन्होंने अर्जुना अवार्ड जीता, जो कि अपने आप में एक बहुत ही प्रतिष्ठित खेल अवार्ड है। इसके बाद 2005 में इन्होंने WTA का न्यू कमर ऑफ द ईयर, इतनी धूम मचा दी थी इन्होंने अपने खेल से टेनिस में कि इनको जो विमेंस टेनिस एसोसिएशन है उसने 2005 में न्यू कमर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया था, और ये 2004-2005 और फिर 2006 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप जानते हैं इंडिया में जो पद्मश्री अवार्ड है कितना प्रतिष्ठित और कितना अच्छा अवार्ड है। वैसे ही 2006 के बाद 2015 में इन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जीता, जिसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था। उसके बाद खेल ही नहीं, सानिया मिर्जा बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट और बहुत विटी हैं, बहुत अच्छा दिमाग उन्होंने पाया है, तुरंत किसी बात का हाजिर जवाब दे देना, और शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। मैंने उनको एक शो में देखा था, कपिल शर्मा शो में वो अपनी बहन सनम मिर्जा के साथ आई थी, तब उनकी पूरी पर्सनैलिटी से वाकिफ होने का जो है अवसर प्राप्त हुआ था। खैर, उस पर अभी आगे बात करेंगे। इसके बाद इनको जो है BBC लिस्ट ऑफ 100 इंस्पायरिंग वुमेन, मतलब दुनिया में जो वुमेन हैं जिनसे लोग प्रेरणा ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं,
उसमें जो पहले 100 की जो लिस्ट बनी थी, जो बीबीसी बनाती है अपने हिसाब से, उनके अपने जो है कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो बीबीसी की जो 100 इंस्पायरिंग वुमेन थी उसमें एक ये थी, और ये इनको जो सम्मान है 2015 में दिया गया था। इसके बाद पद्म भूषण इनको 2016 में मिला, ये और भी बड़ा पुरस्कार है। NRI ऑफ द ईयर इनको अवार्ड मिला 2016 में फिर एक बार। और उसके बाद जो जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं, बड़ा स्टाइल आइकन भी हैं, बहुत ग्लैमरस भी हैं, तो इनको जो है पिंक विला स्टाइल आइकन्स ऑफ द अवार्ड, सुपर ग्लैम स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड, ये बहुत सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं। फिर 2014 में द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, जहाँ की रहने वाली हैं, हैदराबाद की, उसने भी इनको सम्मानित किया और इनको अपॉइंट किया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्टेट, उनके चीफ मिनिस्टर जो हैं के चंद्रशेखर राव द्वारा। तो अपने आप में बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, बहुत कम उम्र में बहुत सारा कुछ अचीव कर लिया सानिया मिर्जा ने। और अब इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 15 नवंबर 1986, आज वो 37 साल की है, शी इज 37 ईयर्स ओल्ड एज ऑफ नाउ। जैसे जैसे सानिया मिर्जा का खेल आगे बढ़ता गया, बहुत सारे पुरस्कार और बहुत सारे सम्मान इनको मिलते चले गए। सानिया मिर्जा जो है एक एविड फॉलोअर थी क्रिकेट की, इनको क्रिकेट से भी बड़ा प्यार था। तो कुछ ऐसा हुआ कि 2004 में सानिया मिर्जा की जो मुलाकात है वो किसी एक होटल में, जहां पाकिस्तान की टीम भी ठहरी हुई थी क्रिकेट टीम, वहीं पे सानिया मिर्जा भी अपना कोई टूर्नामेंट खेलने आई थी। तो दिल्ली के किसी होटल में इनकी मुलाकात जो है शोएब मलिक से हो जाती है, कोई 2-4 मिनट की बातचीत होती है, बस परिचय सा होता है, और दोनों एक दूसरे की खेल की तारीफ करते हैं, और वहाँ इनका जो है परिचय हो जाता है, उसके बाद इनकी मुलाकात नहीं होती है। फिर फाइनली जाके 2008 या 2009 में इनकी, चूंकि ये भी दुनिया भर में टेनिस खेली हैं सानिया मिर्जा, मतलब फिर वो चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फिर फ्रांस हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे US हो और इंडिया हो, या और बहुत सारे कंट्रीज, चाइना हो, बहुत सारी कंट्रीज में ये अपना टेनिस के टूर्नामेंट्स खेली हैं और बहुत अच्छा मुकाम इन्होंने हासिल किया है। तो उसी सिलसिले में ये ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी, और वहाँ पे पाकिस्तान टीम की सीरीज चल रही थी। तो ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है होबार्ट, जो उसकी टस्मानिया की राजधानी है ऑस्ट्रेलिया, अगर आपको उसका नक्शा की जानकारी हो तो, जैसे अपने इंडिया के नीचे श्रीलंका एक छोटा सा टापू है, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का जो मेन, जो मेनलैंड है उसके नीचे एक साउथ में, एक साउथ ईस्ट इनफैक्ट एक टापू है, उसका नाम है टस्मानिया, उसी की राजधानी है होबार्ट। तो वहाँ एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने गई हुई थी। वहाँ इनकी फिर वो 4-5 साल बाद जो है मुलाकात इसी शोएब मलिक से होती है, और वहाँ इनका जो है काफ़ी इंटरेक्शन होता है उसी रेस्टोरेंट में, फिर काफ़ी बार मुलाकात होती है, और फिर इनका प्यार जो है आगे बढ़ जाता है। और सानिया फिर अपने पेरेंट्स से बात करती हैं कि मुझे इस लड़के से, क्रिकेटर से प्यार हो गया है और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। इनके पिता जो इमरान मिर्ज़ा हैं वो एक स्पोर्ट्स के कॉलमनिस्ट हैं, अच्छा खासा उनका जो है नाम है स्पोर्ट्स की जो दुनिया है जिसमें वो पत्रकारिता करते हैं। तो जाहिर सी बात है शोएब मलिक फेमस क्रिकेटर थे और कोई ऐसी दिक्कत थी नहीं, तो दोनों की रजामंदी से ये होना था। तो ये शादी इनकी हैदराबाद में अरेंज हो गई और 2010 में इनकी शादी हो जाती है। और शादी के बाद ये तय होता है कि सानिया मिर्जा की खाली दो शर्त थी, एक तो ये कि इंडिया की तरफ से ही खेलेंगी, भले ही वो पाकिस्तान की बहू हैं लेकिन खेल जो है जारी रखेंगी इंडिया की तरफ से, और दूसरी शर्त ये थी कि पाकिस्तान में सेटल नहीं होंगे, बस खाली वहाँ शादी यहाँ हो गई और वहाँ रिसेप्शन हो गया। तो सेटल होने की बात हुई तो ये हुआ कि हम लोग दुबई में एक घर ले लेते हैं, और जब भी मिलना होगा या पारिवारिक जिम्मेदारियाँ निभानी होंगी तो दुबई में हम लोग मिलेंगे, आप पाकिस्तान से आ जाइएगा, हम यहाँ इंडिया से चले आएंगे। और इस तरह ये चलता रहा, ठीक ठाक तरीके से इनका जीवन चल रहा था। लेकिन हाँ, ये तो था कि इनको खेलना होता था तो इनकी भी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी, उनको क्रिकेट खेलना होता था तो उनकी भी ट्रैवलिंग अच्छी खासी हो जाया करती थी, तो वो उस तरह से जो पारिवारिक एक सिस्टम बन पाता वो हो नहीं पा रहा था। लेकिन ठीक है, उसके बावजूद किसी तरह ये चलता रहा। और अब चूंकि ये था कि रिश्ता जो है कभी शर्तों की बुनियाद पे खड़ा नहीं हो सकता, और इस रिश्ते में सबसे पहले ही ये जो प्यार और मोहब्बत का जो सिलसिला चला, उसके बाद जो शर्तों का जो मुद्दा जो आया कि हम ये शर्तें होंगी हमारे आगे जीवन को बिताने की या जीवन को जीने की, तो वो शर्तों की बुनियाद पे जो रिश्ता खड़ा होता है वो चल नहीं पाता।
और यही इस पूरे जो प्रकरण है इसका एक बहुत बड़ा इससे सीख जो है वो यही मिलती है कि शर्तें जो है रिश्तों में होनी नहीं चाहिए, और वो भी वो रिश्ता जो पति पत्नी का है और वैवाहिक संबंधों का है वहां तो बिल्कुल भी नहीं। खैर, इनका एक बेटा होता है 2018 में उसका जन्म होता है, उसका नाम है इजहान। और जिंदगी जैसी चल रही थी वैसी चल रही थी, और शोएब मलिक जो है वो फिर वही उन्होंने किया जो अक्सर लोग जो बहक जाते हैं उसके बाद जो उन्हें करना होता है। इनकी कुछ खबरें आई कि चूंकि ये पाकिस्तान में रहते थे तो पाकिस्तान की जो अदाकारा हैं, जो खूबसूरत लेडीज हैं, उनकी तरफ इनका अट्रैक्शन बहुत हुआ करता था, और वो खबरें यहाँ छन छन के आती थी, मीडिया में भी आती थी और सानिया को भी पता लगती थी, क्योंकि एक लड़की जो एक्ट्रेस थी उसका नाम था आयशा उमर, उनके साथ इनकी कुछ स्विमिंग पूल में काफी बोल्ड फोटोज और काफी आपत्तिजनक फोटोज जो हैं वो सोशल मीडिया पे छा गई, वो आज भी पड़ी हुई हैं, मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये इनकी शादी की फोटोज हैं और ये इनका बेटा है इजहान, 5 साल इसकी उम्र है। ये तब की फोटो है जब इन लोगों का निकाह हुआ था, शादी हुई थी। शोएब मलिक की जब प्यार मोहब्बत की बात हो रही थी, जब कस्मे वादे खाए जा रहे थे कि हम लोग शादी कर लेंगे, निकाह कर लेंगे, शोएब मलिक ने एक बात सानिया मिर्जा से छुपाई थी कि वो शादीशुदा है। हालांकि वो बाद में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, शोएब मलिक की 2002 में ऑलरेडी एक हैदराबाद की लड़की से शादी हो चुकी थी, जो की बात इन्होंने सानिया मिर्जा से छुपाई थी। मुझे लगता है सानिया को उसी समय सतर्क और सचेत हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, दो लोगों के बीच का प्यार है, आपसी बात है। अब जबकि ऐसी स्थिति सामने आ गई है तो मन करता है कि ये बात अगर ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता, शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये लड़की जो थी इसका नाम था आयशा सिद्दीकी, इसका नाम महा सिद्दीकी भी है, और इसकी शादी जो है जैसा कि शोएब ने बताया या इस लड़की ने बताया कि इसकी शादी एक टेलीफोनिक निकाह था, कि टेलीफोन पे जो है निकाह की जो प्रक्रिया है, जो रवायत है वो पूरी की गई और इनकी शादी हो गई। और बाद में जब सानिया मिर्जा से इनकी शादी की बात जब प्रचारित हो गई कि इनसे शादी होने जा रही है, तो ये लड़की सामने आती है और कहती है कि इनका तो निकाह हमसे हो चुका है, तो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, बहुत सारा उसको मीडिया कवरेज मिला। फाइनली शोएब मलिक ने इस लड़की को 15 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज देकर इससे जो है पीछा छुड़ाया, या यूं कहें कि इसको डाइवोर्स कर दिया, और फिर जो है इनकी शादी जो है सानिया मिर्जा से हो जाती है। सानिया मिर्जा से शादी होती है, सानिया मिर्जा की वही शर्त थी कि मैं इंडिया की तरफ से ही खेलूंगी टेनिस, और टेनिस में जिस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, जिस तरह की ड्रेसेस होती हैं, वो तो खेल की मांग है कि आपको ऐसा ही पहनना पड़ेगा, और ऐसा नहीं पहन पाएंगे तो खेल का जो निखार है, जो पूरी कौशल से आपको खेलना है, खेल नहीं पाएंगी। तो इस तरह की सानिया की फोटोज जो हैं या इस तरह का दृश्य जो है, जो पाकिस्तानी मौलाना है उन्होंने देखा, इंडिया में तो पहले ही जानते थे, तो उनको बड़ा दिक्कत हुई कि सानिया मिर्जा इस तरह के कपड़े पहनती हैं, कैसे पाकिस्तान की बहू है, और दुनिया भर की कंट्रोवर्सी हुई, उसमें इंडियन जो मौलाना थे वो भी शामिल थे। और ये मुझे कहना है कि कौन सुनता है मौलाना और पंडितों की, जिसको जो करना हो करे, बस मर्यादा में होना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि जब सानिया मिर्जा की इन फोटोज पे आपत्ति है मौलानाओं को, तो ये कौन है, ये तो सना जावेद हैं और आयशा उमर हैं, इनकी फोटोज देखकर इनको आपत्ति नहीं होती। सानिया मिर्जा की इस तरह की फोटो जो खेल के लिए जरूरी है, जो ड्रेसेस खेल के लिए जरूरी है, वहां पे उनको आपत्ति है। खैर, तो जो शोएब मलिक की फोटो जो उस लड़की के साथ आयशा उमर के साथ वायरल हुई थी, वो फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। ये फोटोज जो है जब ये दुनिया भर में सोशल मीडिया पर दौड़ने लगी, तो सानिया मिर्जा को भी जाहिर सी बात है पत्नी है और अपना प्रेम का इजहार करके उससे शादी की है, जाहिर सी बात उसको अच्छा नहीं लगा। और ये शायद 2020 की फोटोज हैं, और बहुत सारी चर्चाएं और जो भी गॉसिप्स हैं वो सोशल मीडिया पे और दुनिया भर में होने लगी, और इस तरह की फोटोज जो हैं वो किसी पत्नी को क्या पसंद आएंगी, और ये फोटोज जो हैं वायरल हो गई। ये जो फोटोज वायरल हुई, इसमें बाद में कुछ गॉसिप्स में कुछ निकला नहीं, क्योंकि बाद में ये रहा कि शोएब मलिक का इस लड़की से, ये जो आयशा उमर है ये भी पाकिस्तान के एक एक्ट्रेस है जिसकी फोटोज अभी आपने देखी, तो इससे कोई अफेयर वगैरह था नहीं। लेकिन शोएब मलिक का अफेयर जो होता है वो इस लड़की से होता है, इसका नाम है सना जावेद। इसका डिटेल अभी मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये एक टीवी एक्ट्रेस है और बहुत सुपरहिट टीवी एक्ट्रेस है ये, और इसके साथ इसका अफेयर होता है। तो पाकिस्तान में एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है टीवी पे जीतो पाकिस्तान। तो जीतो पाकिस्तान का जो एंकर है उसका नाम है फहद मुस्तफ़ा।
फहद मुस्तफा के प्रोग्राम में ये दोनों, मतलब शोएब मलिक और ये सना जावेद, ये कई बार उसके प्रोग्राम में गए। उसका ऐसा फॉर्मेट है कि उसमें एक एक लेवल क्रॉस करना पड़ता है और फिर आपको कोई इनाम मिलता है। वहां पर इन लोगों को देखा गया और ऐसा कहा जाता है कि इसी प्रोग्राम के सेट पर, इसी प्रोग्राम के दौरान, इसी प्रोग्राम में शामिल होने के दौरान, शूटिंग के दौरान इन लोगों का जो है वो प्यार मोहब्बत जो है शुरू हो गया। जबकि शोएब मलिक सानिया मिर्जा से शादी किए हुए थे और अभी ही वॉज इन दी मैरिज, वो मैरिज न तोड़ी गई थी और न डाइवोर्स हुआ था। सानिया मिर्जा को इस बारे में कोई खबर नहीं दी गई और मैं आपको ये प्रोग्राम दिखाता भी हूँ, आपको इंटरेस्ट आएगा, इसमें मजा आएगा। एक कॉलर भी मेरे साथ है, उनसे पूछते हैं, देखते हैं वो क्या मशवरा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है? वालेकुम सलाम जी, मैं कौन? सानिया बात कर रही हूँ। सानिया बात कर रही है? सानिया हो, ये वो वाली नहीं। आप सानिया मिर्जा तो बात नहीं कर रहे हैं? मैं सानिया मिर्जा मलिक बात कर रही हूँ। भाई सानिया मिर्जा मलिक की कॉल आई है, तालियां होनी चाहिए। भाई वाह, भाई बहू की कॉल आ गई है। बहू क्या हाल है आपके, खैरियत से आप ठीक ठाक है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, लेकिन ये मेरे मियाँ ने कहा है कि मैं नहीं हूँ, ये इन्होंने किसी और की आवाज़ बोली है। ये आप देखें, वो अभी तक नहीं पहचाने आपको। पहचान नहीं रहा लड़का। अच्छा आपने एक चीज नोट की है, अच्छा माइक में तो बोलो। अच्छा यार यार हद हो गई, मतलब के बेगम चाहे बॉर्डर के इस पार की हो, बॉर्डर के उस पार की हो, कान पकड़वा ही देती है, ये बात तो तय। सानिया क्या लगता है आज ये कैसा खेलेंगे, क्या आज ये जीत कर जाएंगे या नहीं जीत कर जाएंगे, व्हाट डू यू थिंक? मैं अभी थोड़ा सा देख रही थी जब कॉल, तो मैं अभी यहाँ साइड में आई हूँ, मुझे भी लगता है 5-16 है। आपको लगता है 5-16 है इनके पास? आज शोएब के जीतने के चांसेस आपको लग रहे हैं या नहीं लग रहे? सच सच बताइएगा दिल पे हाथ रखकर। आई होप, मुझे आई हर्ड लास्ट 2-3 टाइम से वो हार रहे हैं, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। आई होप कि आज वो जीतने वाले हैं इंशाल्लाह। अभी तो 20 पॉइंट पे कुछ थे मुझे जितना समझ आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अब आज आपने कॉल की है, अब अगर आज हारे तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाल देंगे हम, ठीक है? क्योंकि इससे पहले बेहतर चल रहा था मामला, ठीक हो गया? तो दोस्तों ये छोटी सी एक झलक थी, यही है वो प्रोग्राम जीतो पाकिस्तान, जिसके ये एंकर हैं फहद मुस्तफा। और इसी प्रोग्राम के दौरान शोएब का जो सिलसिला है प्यार का, वो इस लड़की सना जावेद से शुरू हुआ था। और इसका एक और वीडियो मैं लेके आया हूँ, देख लीजिए इसको भी, फिर आगे बात करते हैं। इस पूरे प्रोग्राम में जो इनकी केमिस्ट्री दिख रही है, यहीं से सब समझ में आ गया था सबको कि आगे होने वाला क्या है। और अभी ये प्रोग्राम आज मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो गॉसिप है और जो चर्चाएं हैं, जो रूमर्स हैं, ये बहुत पहले से चल रही थी कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का कुछ ब्रेकअप हो चुका है या कुछ गड़बड़ हो चुका है रिश्ते में। ये 20 जनवरी 2024 की ये न्यूज़ है, जिसमें ये कन्फर्म हो गया शोएब मलिक ने जो है पाकिस्तानी एक्टर सना जावेद से शादी कर ली है। और सानिया मिर्जा का बड़प्पन देखिए कि उसने इस पूरे मुद्दे पर कभी अपनी जुबान खोली नहीं। और इस शख्स ने क्या किया कि इसने ये सब ये करता रहा, उसके बाद अचानक शादी करके सीधे ये फोटोज जो है सोशल मीडिया पर डाल दी। बताइए क्या गुजरी होगी उस पर। और ये पूरी न्यूज चल रही है, पाकिस्तान क्रिकेट स्टार शोएब मलिक मैरिड पॉपुलर पाकिस्तानी एक्टर सना जावेद अमिड रूमर्स ऑफ हिज सेपरेशन विद फॉर्मर इंडिया टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा। जब ये हो गई 20 तारीख को ये खबर आ गई, फाइनली सानिया मिर्जा और उनके परिवार को चुप्पी तोड़नी ही थी और उन्होंने चुप्पी तोड़ी भी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्ट्रेस है, पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद, ये है कौन? दोस्तों सना जावेद का जो जन्म है वो जिद्दा में हुआ था 25 मार्च 1993 को, और ये है पाकिस्तानी मूल की। और वहाँ से फिर ये लौट आई पाकिस्तान और ये पाकिस्तान में जो है छोटे मोटे रोल जो है टीवी पे करने लगी। और फिर अचानक जैसा होता है ना कि किसी को अच्छा ब्रेक मिल जाए, तो इसने एक सीरियल था मेरा पहला प्यार, उसमें इसको थोड़ी सी पहचान मिली। और फिर इसने एक निगेटिव रोल किया, एक सीरियल था खानी उसका नाम है,
उस नेगेटिव रोल से ये पूरे पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री में छा गई, घर घर में इसका नाम जो है वो प्रचारित हो गया और ढेर सारा इसको जो है लोगों का प्यार मिला और बहुत सारी जो है इसकी चर्चा हुई और काफ़ी इसको प्रसिद्धि मिली। ये वही लड़की है सना जावेद। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये खुद 38 साल की है, क्योंकि 93 में इसका जन्म हुआ था तो लगभग 30 साल की है, थोड़ा ऊपर। और ये स्वयं जो है शादीशुदा थी, एक पाकिस्तानी सिंगर है उमर जसवाल, और उससे इसकी शादी हुई थी और इसकी शादी 2 महीने चली और शादी इसकी टूट गई और उसके बाद इसने जो है सीधा इससे शोएब मलिक से निकाह कर लिया और पूरा सब उनकी शादी का और उनके निकाह का चर्चा जो है पूरा सोशल मीडिया पे जो है वो छा गया। सना जावेद जो है इनके ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं, करीब करीब 84 लाख इनके फॉलोअर्स हैं और अच्छी खासी इनकी प्रसिद्धि है। और जब ये शादी का सानिया मिर्ज़ा ने सुना तो सानिया मिर्ज़ा को जाहिर सी बात है अच्छा तो लगा नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले भी साल भर से इस तरह की हरकतें इनकी चल रही थी जो किसी भी पत्नी को अच्छी लगेंगी नहीं। सानिया मिर्ज़ा ने एक दर्द भरा, बहुत गूढ़, एक जिसे कहते हैं ना संकेत में जो है मैसेज अपना सोशल मीडिया पे दिया है, मैं आपको ज़रूर पढ़ के सुनाऊंगा। मुझे लगता है कि हर शख्स को वो मैसेज, उसमें जो रहस्य छुपा हुआ है, उसमें जो संदेश छुपा हुआ है वो पढ़ना चाहिए, उसमें जो दर्द छुपा हुआ है वो जानना चाहिए, उसमें जो दर्द है, वेदना है, पीड़ा है समझना चाहिए। ये लिखा है, मैरिज इज हार्ड, डाइवोर्स इज हार्ड, चूज योर हार्ड, अपना जो कठिनता है, अपनी जो मुश्किल है वो चुन लीजिए। ओबेसिटी इज हार्ड, यानी शरीर का जो मोटापा है शायद वो भी कोई मुद्दा रहा होगा। ओबेसिटी इज हार्ड, बीइंग फिट इज हार्ड, चूज योर हार्ड, बीइंग इन डेट इज हार्ड, मतलब कर्जे में होना जो है वो बड़ा मुश्किल है। बीइंग फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड इज हार्ड, मतलब जो वित्तीय मामले हैं, जो फाइनेंशियल मामले हैं, उसमें अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, अनुशासन में रखना, वो भी बहुत मुश्किल है। तो अपनी मुश्किल आप चुन लीजिए। कम्युनिकेशन इज हार्ड, वार्तालाप, नॉट कम्युनिकेटिंग इज हार्ड, मतलब कम्युनिकेशन हुआ भी नहीं होगा। जब इसका कुछ चल रहा होगा सना जावेद से, निश्चित रूप से कम्युनिकेशन बंद हुआ होगा, तो इसीलिए वो लिख रही हैं, कम्युनिकेशन इज हार्ड, नॉट कम्युनिकेटिंग इज हार्ड, चूज योर हार्ड, लाइफ विल नेवर बी ईजी, इट विल ऑलवेज बी हार्ड, बट वी कैन चूज अवर हार्ड, पिक वाइजली, दिमाग लगा के बुद्धिमत्ता से अपनी मुश्किल को चुनिए। वाकई बहुत दर्द भरा ट्वीट है और बड़ा खराब लगता है कि ऐसे मोड़ पर जिंदगी आ गई है। मैं तो यही कामना करता हूँ कि सानिया आगे बढ़ें और उनकी जिंदगी में जो भी हो सब अच्छा ही हो। और ये देखिए फर्क होता है ना कि हिंदुस्तान में जो होता है, जो भावनाएं हम लोग की होती हैं कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। आज मुझे वो गाना भी याद आ गया, वो इसलिए याद आ गया कि इतना सब कुछ होते हुए, इतना दर्द सहते हुए, इतनी परेशानी, इतनी कठिनाई सहते हुए भी सानिया मिर्ज़ा अपने पति के बारे में लिख क्या रही हैं। सब कुछ लिखने के बाद, कहने के बाद, कुछ भी बुरा नहीं कहा, कुछ भी बुरा नहीं कहा, एक दार्शनिक अंदाज में कह दिया कि इतनी मुश्किलें हैं, बात करना मुश्किल है, जीना मुश्किल है, खर्च करना मुश्किल है, अनुशासन में रहना मुश्किल है। सब कहने के बाद कि जब शोएब ने उनके साथ ये कर दिया तो वो कहती हैं कि शी विशेज शोएब वेल फॉर हिज न्यू जर्नी अहेड। कमाल है ये, कभी कभी लड़कियां, महिलाएं, या यूं कहें कि जिनके अंदर प्रेम का भाव इतना ज़्यादा है कि किसी का बुरा सोच नहीं सकते, शायद यही सानिया के जो है हिंदुस्तानी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। और सानिया ने तो शुरुआत में ही जो कह दिया था कि मैं खेलूंगी तो हिंदुस्तान की तरफ से, वो भी उनके भारतीय होने का एक प्रमाण है कि कितना भारत उनके दिल में समाता है, कितना भारत से वो प्यार करती हैं। तो दोस्तों ये मैंने बताया था कि 20 जनवरी को ये खबर आती है कि शोएब मलिक ने सना जावेद से शादी कर ली है बिना इनको कुछ बताए हुए। और बाद में ये जो 21 जनवरी को इनका ये ट्वीट आता है, इनका सोशल मीडिया पर डाला जाता है, सानिया मिर्ज़ा हैज़ फाइनली रिएक्टेड टू शोएब्स थर्ड मैरिज टू सना जावेद। According to NDTV, the famous tennis player revealed that they separated a couple of months ago. सानिया मिर्ज़ा जो है खुला जो प्रथा होती है मुस्लिम्स में, जो शादी का एक सिस्टम होता है जिसमें कि लड़की को या महिला को ये आज़ादी होती है कि अगर उसको अपने शौहर के साथ रहना नहीं है तो वो इस प्रथा के तहत उसको तलाक दे सकती है।
तो उस प्रथा के तहत सानिया मिर्जा उससे अलग हो गई। दोस्तों ये थी छोटी सी एक कहानी, तो क्या कहूँगा, व्यथा कहना ज़्यादा उचित रहेगा। और मैं तो सानिया मिर्जा चूँकि देश की बेटी है, देश का नाम उन्होंने रोशन किया है, इतने सारे अवार्ड, इतने सारे सम्मान और इतनी सारी जगह उनको पहचान मिली हुई है पूरी दुनिया में, तो मैं तो यही शुभकामनाएं दूंगा कि ज़िंदगी चलती रहती है और ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उनका जीवन आगे का बहुत अच्छा रहे और पीछे की जो बातें हैं वो भूल जाएं और आगे बढ़ें। छोटा सा बेटा है, उसको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उसकी ज़िंदगी बहुत सफल हो, सुखी रहें। और क्या ही कह सकता हूं मैं, सिर्फ शुभकामनाएं, वो भी दिल से। तो ये थी छोटी सी चर्चा दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर कि सानिया मिर्ज़ा के साथ शोएब मलिक ने किया वो उचित तो कतई नहीं था, लेकिन इसमें कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा ये डिस्कस करते हुए, लेकिन फिर भी एक जानकारी है। और जानकारी अगर आपको रोचक लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट भी दें कि ऐसे मामलों में आपकी क्या राय है। और इसी तरह के रोचक और तथ्यपरक वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों।